अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे एंड खुश होंगे। सो आज की वीडियो जो है एक बहुत ही कमाल का फाउंडेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इट्स कॉल्ड एमिली पेरिस का फाउंडेशन। बहुत ही ज़बरदस्त है गर्ल्स, और इसकी क्वालिटी, कवरेज, प्राइस सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अंदर टोटल जो SPF 30++++ है, ये जो है वो मैटिफाइंग है, ठीक है, और स्वेट प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। एक मैट सॉफ्ट सा फिनिश देता है, ठीक है, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ, ये मैं नहीं कह रही। इसके बाद जो है बैक साइड पर इसके जो है इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। शेड जो है 01 है, टोटल जो इसके अंदर 45 ml है, और इसके अलावा ये जो है 24 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएगा। लाइक ओपन करने के बाद 24 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग इसकी बहुत ही कमाल की है, लाइक एक शिमरी सा इसका कवर है, ठीक है। इसके अंदर जो एक मैट सी शीशे की बॉटल है, और बहुत ही बिल्कुल मैट ही है ये। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इट्स कॉस्ट मी लाइक 750 rupees समथिंग की, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लाइक बिल्कुल मैट है और ऑयली स्किन के लिए द बेस्ट है। सर्दियों में अभी जो मैंने इसको अप्लाई किया था, इसकी कवरेज काफ़ी कमाल की थी। इसके इसको ओपन करने के बाद इसका जो एक पंप सा दिया गया है, जिससे इसको प्रेस करके हम जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोग को इसका रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो जाए कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। मीडियम टू हाई कवरेज है, ठीक है, बिल्डेबल है। इसको अगर और ज़्यादा आपको हाई कवरेज चाहिए तो इसको आप ब्लेंड करते जाएँ, और इसकी कवरेज जो आपको अच्छी खासी मिलेगी। इसको जितना आप अप्लाई करेंगे कवरेज उतनी मिलेगी। मैंने जो है एक पार्टी बेस जो है इससे बनाया था, बहुत ही आउट क्लास बना था, उसकी वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही फुल कवरेज फाउंडेशन बना था, उससे बेस बना था, ठीक है। इस फाउंडेशन की हेल्प से इसका शेड जो है वो 01 है, और ओपन करने के ओपन करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है मैं इसके जो है दो पम्प लूँगी, क्योंकि ये जो है एक थिक फॉर्म है, वाटरी बिल्कुल भी नहीं है। एक थिक है, लाइक थिक जो फाउंडेशन ज़्यादातर जो है उसकी कवरेज काफ़ी अच्छी होती है, तो ये जो है वो थिक है, वाटरी नहीं है। यहाँ पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ऑयल गर्मियों में मैंने यूज़ नहीं की, सर्दियों में मैंने यूज़ की है, तो सर्दियों में इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। सो इसको जो है पहले मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया। अब जो है अपनी फिंगर से पहले जो इसको मैं पूरे फेस पर जो है वो अच्छी तरह से इसको फैला दूंगी, कुछ इस तरह से। इससे जो है आपकी कवरेज काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर आपको जो लाइट कवरेज चाहिए तो आप जो है वो फिंगर की हेल्प से इसको पूरे फेस पर ब्लेंड नहीं करें, पहले डायरेक्टली जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से जो है इसको ब्लेंड कर लें। मुझे जो है वो अच्छी कवरेज चाहिए थी, क्योंकि मैं जो है एक पार्टी बेस बना रही थी इससे, लाइक पार्टी मेकअप कर रही थी इसके ऊपर, तो इसलिए मैंने जो है इसको पहले फिंगर की हेल्प से, ठीक है, पूरे फेस पर किया। और इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से जैसे इसको मैंने लाइट से टैप टैप किया, और बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लेंड हो गया। आप यहाँ पर भी आपको एक क्रीमी, ये है थिक है, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको जो है वो अप्लाई करना होगा। अब जो है मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है इसको मैं जस्ट प्रेस कर रही हूँ, एंड यू कैन सी कितना अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से ये पूरे फेस पर जो वो ब्लेंड हो चुका है। आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि कितने मतलब जल्दी जल्दी और इजी से ये ब्लेंड हो रहा है। एक जो फाउंडेशन सर्दियों में जो तो जो स्किन पर चिमट जाते हैं और जल्दी जल्दी जो है वो ब्लेंड नहीं होते, तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये फ़ौरन मतलब अप्लाई करने के बाद इसको जब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से सेट किया, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो पूरी स्किन पर जो है वो सेट हो गया। आफ्टर 2 hours भी इसका दिखाऊँगी, और आफ्टर 7 hours भी दिखाऊँगी कि ये इसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे कैसा मिला। तो सब इससे जब तक मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलें, एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी मतलब जो 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 मैं अपलोड करती जा रही हूँ आप ज़रूर देखें उसको, आप लोगों को जो पसंद आएगी। और जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी जो है वो जल्दी से मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर ले, तो आप लोगों को यहाँ क्लियरली नज़र आएगा। अगर कंसीलर ना भी अप्लाई करें तो इसने अच्छे से मेरे जो है वो डार्क सर्कल हाइड कर ली हैं। एज आई सेड के मैं हेवी बेस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो पार्टी मेकअप इस पर अप्लाई करना था, तो इसलिए जो है मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर यहाँ पर जो है मैंने मिस्टर रोज का अप्लाई किया। अब कंसीलर इस पर जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो गया था, लाइक
क्रीज नहीं हुआ था, बहुत ही मज़े से जो है ये ब्लेंड हो गया था, ठीक है। और ये कंसीलर भी मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसकी वीडियो जो है मैंने अपलोड कर लिया, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाकर आप लोग देख लें। तो अब जो है मैं पूरा फुल फेस मेकअप करूँगी, ठीक है, पहले इसको सेट करेंगे, इसके बाद जो फुल फेस मेकअप के बाद जो मैं इसको लास्ट में डेमो दूँगी कि एंड में मेरे वर्डिंग इस फाउंडेशन के लिए क्या है। सो अब जो है मैं यहाँ पर ब्यूटीफाई बाय आमना का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही कमाल का है, ठीक है। इसको जो है मैं अपने पूरे फेस पर नहीं अप्लाई कर रही, सिर्फ जहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ पर जो है मैं इसको डैप डैप करके अप्लाई करूँगी और छोड़ दूँगी, ताकि जो है कंसीलर फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट जो है वो आपस में सेट हो जाए और मेरे जो है वो आइज़ पर जो है वो क्रीज ना करे, और इसके अलावा मेरा जो है फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, फुल मेकअप जो है मेरा कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन कितना फ्लॉलेस लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। अब जो है 2 आवर्स के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 आवर्स के बाद जो है मेरे रिज़ल्ट जो है इसके कैसे थे। सो करीब से दिखा रही हूँ, 2 घंटे के बाद फाउंडेशन जैसी थी वैसी ही है, अच्छी तरह से मेरी स्किन पर सेट हो गई थी और मेरा फेस जो बहुत ही खूबसूरत नेचुरल सा लग रहा था, लाइक बिल्कुल भी इस जो ये जो फाउंडेशन है थिक फॉर्म, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी कि कोई हैवी सी चीज़ जो है मैंने अप्लाई की है, नहीं, बहुत ही लाइट वेट है, मज़े की है, मुझे जो है वो पर्सनली बहुत ही पसंद आई। अब जो है 7 आवर्स के बाद मेरा मेकअप जो है तकरीबन उतर चुका था, लेकिन फाउंडेशन यहाँ पर कितने फ्लॉलेस है, स्टिल नोज़ के अराउंड भी आप लोग देख सकते हैं, फॉरहेड पर भी देख सकती हैं, चिन पर भी, मतलब आउट क्लास। ये 6 आवर्स के बाद है, खाना भी खाया था मैंने, इसके बावजूद भी मेरी फाउंडेशन जो वो बहुत मज़े की लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।